बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ढंग से सुनेंगे। द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर होता क्या है, हंसने वाली बात नहीं है, ईजी है तो ईजी है। हम चलो आपस में बात कर लेते हैं कि मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, इधर आया, मैंने कहा ये ले 2 लाख रुपए का चेक। कितने का? 2 लाख रुपए का चेक, और जाओ बैंक से इन कैश करवा कर ले आओ। वो भी फूल करके गोलगप्पा हो गया और दौड़ा दौड़ा गया बैंक मैनेजर के पास, दरवाज़ा खटखटाया, सीधे बैंक मैनेजर, ये नहीं कैश काउंटर पे जाएं। अरे 2 लाख का बात है भी। बैंक मैनेजर साहब जब तक कम इन बोले तब तक चला ही गया, और बैंक मैनेजर साहब को 2 लाख रुपए का चेक देकर बोला कि मैं 2 लाख रुपए निकलवाने आया हूँ, चाय पूछो। बैंक मैनेजर साहब ने उसको बैठाया और चाय पूछा, बुलाया पीउन को, कहा जाओ इसके लिए चाय ले आओ। पीउन चाय लेने गया, तब तक मैनेजर साहब ने क्लर्क को बुलाया, कैशियर को बुलाया, कहा ये लो 2 लाख रुपए का चेक और जाकर कैश निकाल करके इनको इनके पास दे दो। गया, चाय वाला आया, चाय रखा। मैंने जैसे ही चाय को एक चुस्की लगाने ही वाला था, तब तक क्लर्क दौड़ा दौड़ा आया मैनेजर साहब के पास, गजब हो गया मैनेजर साहब, गजब हो गया। तो मैनेजर साहब ने कहा कौन सा गजब हो गया? कहा कि मैनेजर साहब उसके खाते में तो टोटल मिलाकर 1,80,000 ही पड़ा हुआ है, आया है 2 लाख रुपए का साहब ले करके चेक। अब मैनेजर साहब ने मेरे मुँह से चाय खींच ली और मुझे गुस्सा लगा, अपमान भी महसूस हुआ। मैं वापस आया, दौड़े दौड़े बेइज्जती तो हो ही गई थी। मैनेजर मेरे पास आया दौड़े दौड़े और लगा उल्टा सीधा बोलने, जेब में रहता तो है नहीं पैसा और आपने 2 लाख का चेक डाल दिया कि जाओ कैश करवा करो। अरे 1,80,000 पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, 1,80,000। अब मेरा ऐसा सुनना था, मेरा बीपी हाई। मैंने कहा अरे भाई मेरे अकाउंट में जो कैश बुक बनी हुई है, हम लोग जो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं उसके हिसाब से 4,30,000 रुपये का बैलेंस है मेरे अकाउंट में, क्या बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं मालिक, 1,80,000 बोल रहा है बैंक, यानी सीधे सीधे 2,50,000 रुपये का चूना लग रहा है ना। हाँ यार, अब इतना सुनना था मेरा ब्लड प्रेशर और हाई कि भाई 1,80,000 वहाँ है मेरे बुक्स में, कैश बुक में 4,30,000 दिखा रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा गया सीए साहब के यहाँ, सीए साहब तो सीए साहब ने कहा बोल बेटा। मैंने कहा कि 4,30,000 मेरा बैंक में होना चाहिए, ये है मेरी कैश बुक, और बैंक वाला कह रहा है 1,80,000 आपके पास है। बैंक वालों ने तो गबन कर लिया मेरा पैसा। तो सीए साहब ने कहा भाई घबराने की बात नहीं है, आप एक काम करो, आप कैश बुक मेंटेन करते हो? मैंने कहा बिल्कुल मेंटेन करता हूँ जी। उसने कहा आप एक काम करो, ये कैश बुक रखो मेरे सामने और ये पासबुक रखो मेरे सामने, जब दोनों चीज़ें सामने होंगी तो हम बता पाएंगे डिफरेंसेस कहाँ हैं और डिफरेंसेस क्यों हैं। हाँ या ना, अगर आप मेरे सामने पासबुक रख दें और मेरे सामने कैश बुक रख दें तो हम आपको ये बताने लायक हो जाएंगे Why these discrepancies arises? Why there are a difference of ₹2,50,000 between cash book and the passbook? होता क्या है सिस्टम कैश बुक और पासबुक का? हम लोग जब अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम लोग अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से। कैसे करते हैं? सिंक्रोनाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अराइज हुआ, जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हुआ, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमैटिकली। अगर सुबह 10 बजे कोई ट्रांजेक्शन अकर हुआ तो 10 बजे, 11 बजे अकर हुआ तो 11 बजे। ये नहीं कि पहले 11 बजे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा उसके बाद 10 बजे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, ऐसे नहीं होता। ट्रांजेक्शन बहुत ही स्मूथ वे में रिकॉर्ड होता है और लाइन वाइज रिकॉर्ड होता है। क्लियर? अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जब जब जो जो ट्रांजेक्शन हुआ, वी हैव रिकॉर्डेड ऑल दोज ट्रांजेक्शन इन द सेम वे इन बैंक। बैंक ने भी मेंटेन किया है बुक। अगर मैंने कैश बुक बैंक कॉलम का मेंटेन किया है तो बैंक वाले ने भी मेरा अकाउंट मेंटेन किया है। मैंने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया, बैंक वालों ने मेरा अकाउंट मेंटेन किया, दोनों ने एक दूसरे का अकाउंट मेंटेन किया है, दोनों ने एक दूसरे का अकाउंट मेंटेन किया है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक्स ने वाई को उधार माल बेचा,
एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स के लिए वाई क्या है और वाई के लिए एक्स क्या है, यही होता है, एक के लिए डेटर और एक के लिए क्रेडिटर, एक ने लिया तो एक ने दिया, एक ने उधार लिया तो एक ने उधार दिया, एक ने माल खरीदा तो दूसरे ने माल बेचा। अगर मेरा पैसा बैंक में है तो मुझे पैसा बैंक से लेना है और बैंक वाला दिखाएगा कि मुझे पैसा दिलीप को देना है। दोनों में फर्क समझ में आया, एक के खाते में डेटर और एक के खाते में क्रेडिटर, यही सिस्टम है। अब हुआ क्या, कैशबुक में मेरा नॉर्मली डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, ये तो मालूम है ना। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। सर सर सर, बैंक अकाउंट पर्सनल कैसे हो सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये पर्सनल है रियल है? पर्सनल है, किसी पर्सन के नाम से। पीएनबी पर्सनल है या रियल है? ये सब नाम से अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिकली ऐसे नाम न लिखकर पढ़ने के पर्पज से केवल बैंक अकाउंट लिखते हैं, जबकि बैंक अकाउंट इज नॉट एनी अकाउंट। पीएनबी इज एन अकाउंट, एसबीआई इज एन अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक इज एन अकाउंट, क्लियर है? तो होना ये चाहिए था, लेकिन चूंकि अब पढ़ना है तो यहां पर सारे बैंकों को कॉमनली हम यूज करते हैं बैंक अकाउंट, क्लियर? अच्छा, यहां का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा। मेरा डेबिट बैलेंस मेरा फेवरेबल है जो ये बताता है कि मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो मैं बता रहा हूं 4,30,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस। यहां उल्टा होता है, अगर मुझे बैंक से लेना है तो बैंक वाला मुझे देगा, हाँ या ना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बैंक के लिए कितना होना चाहिए, 1,00,000। प्रॉब्लम बस यहीं पर आ गई, शुरू तो बराबर से हुआ था, लेकिन जब मंथ का एंड हुआ तो ऐसी क्या बीच में इवेंट हो गई, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसके कारण ये डिफरेंस आ गया। हमें वो डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हटा सकते हैं इसको, पक्का ऐसे नोट कर लें आप लोग, दिस इज आर कैश बुक, दिस इज आर पासबुक। सुने, पासबुक कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्ड बाय बैंक। कैशबुक कौन मेंटेन करता है, मेंटेन्ड बाय कस्टमर, हाँ या ना। इधर देखें, कैशबुक का बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है, हाँ या ना। अगर यहां का डेबिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल बैलेंस होगा, बैंक के लिए नहीं, किसके लिए, मेरे लिए। और यहां का डेबिट बैलेंस मेरे लिए अनफेवरेबल होगा। सर कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो कस्टमर बनाता है या बैंक बनाता है, कस्टमर बनाता है या बैंक बनाता है, कौन बनाता है ना, केवल कस्टमर बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेसमैन बनाता है, कस्टमर बनाता है, कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, यानी कि बिजनेसमैन। अच्छा सर एक बात बताइए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का अगर यहां बैलेंस आता है तो इसका मतलब फेवरेबल है, क्योंकि कस्टमर का पैसा जमा है बैंक में, तुम्हारा पैसा जमा होगा बैंक में, तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है। तुम्हारे हाथ में वो डेबिट बैलेंस बता रहे, जबकि बैंक में जाकर के देखोगे तो वहां क्रेडिट बैलेंस बताता है, क्योंकि बैंक को पैसा देना है और तुम्हें पैसा लेना है, तो तुम्हारी बुक्स में वो डेबिट है और बैंक की बुक्स में तुम क्या हो, क्रेडिट हो, क्रेडिटर हो। हटा सकते हैं, अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे जो हमें बताएंगे कि डिफरेंसेस अराइज क्यों होते हैं, वो डिफरेंसेस अराइज क्यों होते हैं ये बताएगा हमें। सुनो,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सुन ले इधर, कौन बताएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक रिकंसिलिएशन इज ए स्टेटमेंट विच शोज ऑल दोज पॉइंट्स ड्यू टू विच डिफरेंसेस कम्स और डिफरेंसेस अराइजेस। सर हम लोगों ने एक चीज सुन रखी है क्या, कि ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सर ये भी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है या नहीं होता? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों को कवर करता है, दो तरह के, कॉरपोरेट एंटिटी एंड नॉन कॉरपोरेट। मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इन तीन चीजों से होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि नॉन कॉरपोरेट एंटिटी के लिए बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएल। देखो ना, एवेन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर बाय नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कहीं पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नाम आया? इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट द फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। BRS इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट करना हो नोट कर ले, नहीं तो मैं हटा रहा हूं। देखो इधर, दिस इज आर कैश बुक, ये मिस्टर, चलो तुम्हारा नाम ले लेते हैं हिमांशु, हिमांशु प्रिपेयर कर रहे हैं, मेसर्स हिमांशु या मिस्टर हिमांशु, और ये मिस्टर हिमांशु का पासबुक है, यानी SBI अकाउंट है, बैंक अकाउंट। ये डेबिट बैलेंस होता है जो फेवरेबल शो करता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है जो निगेटिव शो करता है। ये फेवरेबल बैलेंस शो करता है, ये निगेटिव कस्टमर का, ठीक, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। बैलेंस था इसका 1,00,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो मेरा भी बैंक में पड़ा हुआ 1,00,000 रुपए, तो बैंक में भी 1,00,000 दिख रहा है, मेरे हाथ में भी जो कैश बुक है वो 1,00,000 रुपए दिखा रहा है। हुआ क्या, मैंने किसी को चेक इश्यू किया, किसको इश्यू किया? मिस्टर धीरज को मैंने चेक इश्यू किया
50,000 रुपये का। और मिस्टर धीरज घर गए और उन्होंने उस चेक को अपने तकिए के नीचे लगा दिया और दांत दिखा करके सो गए। रात भर अच्छे अच्छे सपने आए। अगले दिन सुबह उठे, फिर से तकिए के नीचे से चेक निकाला, दांत दिखाए, फिर काम पे चले गए। रात में आए, सोने का वक्त हुआ, फिर तकिए के नीचे से चेक निकाला, दांत दिखाया, सो गया। अच्छे अच्छे सपने आते रहे, कई दिन बीत गए, लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा इसलिए नहीं आया, मैंने तो अपने यहाँ कम कर दिया, हिमांशु ने अपने यहाँ से दिखा दिया कैश बुक में, जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हुआ, हिमांशु डिक्रीजेज हिज बैंक बैलेंस बाय ₹50,000। एज एंड व्हेन ही मेड द पेमेंट बाय चेक, ही डिक्रीजेज हिज बैंक बैलेंस। तुरंत उसने अपना बैंक बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि हिमांशु को मालूम है 1,00,000 रुपये तो बैंक में है ही है, 50,000 का अगर मैंने चेक दिया है तो सामने वाला पैसा निकाल ही लेगा, अब मेरे पास बैंक में केवल 50,000 रुपये बचे। लेकिन मिस्टर धीरज है कि मानता नहीं। 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, अब एक बात बताओ, इतने दिन बीतने के बाद अगर बैंक से पैसा निकला या नहीं निकला? नहीं निकला। कब तक नहीं निकलेगा? ये हिमांशु का बैंक SBI और ये धीरज का बैंक PNB। कौन सा? PNB। यानी धीरज का अकाउंट किस में है? PNB में है। हिमांशु ने धीरज को चेक दे दिया, ये जाकर क्या करेगा? ये चेक अपने PNB में देगा, ये नहीं कि SBI में जाएगा ना, कहाँ ले जाएगा? PNB में। PNB वाला चेक इस बैंक के पास भेजेगा और ये वाला बैंक अमाउंट इसको ट्रांसफर कर देगा और धीरज अपना पैसा निकाल लेगा। तो यहां पर आने तक टाइम लगेगा, यहां से जाने में भी टाइम लगेगा। मान लो चेक दिया गया था 10 अगस्त 2015 को, कब दिया गया था? और धीरज ने ये चेक लगाया 14 अगस्त 2015 को। बैंक में से यहां तक पहुंचने में लग गया 17 अगस्त 2015 को और अकाउंट में पहुंचने में लग गया 20 अगस्त 2015, जो भी हो। यानी 20 अगस्त को यहां से पैसा निकला, दो मिनट के लिए मान लेते हैं 20 अगस्त को पैसा यहां से निकला। किसके अकाउंट से? हिमांशु के अकाउंट से। एंट्री 20 अगस्त को होगी हिमांशु के खाते में, किसके नाम से? धीरज। कितना ले गया? 50,000। जबकि ये एंट्री तो मैंने 10 अगस्त को ही कर दी थी। डिफरेंस आया कि नहीं आया 10 दिन का? आया या नहीं आया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेट्स। ये डिफरेंस इसके कारण आया। इसमें न तो अगर धीरज ने तुरंत क्लियरिंग में लगा दी होती तो धीरज की भी गलती नहीं, बैंक की भी गलती नहीं, दिस इज द गलती ऑफ टाइम। हाँ, या ना, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन टाइम के कारण ये प्रॉब्लम आई। चलो सर जी, आप भी ऐसी बात करते, फर्क कहाँ आया आप हमें ये बताओ। फर्क नहीं आया, क्योंकि ये 20 अगस्त 2015 को निकल गया। सुनो, मान लो चेक मैंने 24 मार्च 2015 को दिया होता, सॉरी 16 को, कब दिया होता, और उसने वही आलसपन दिखाया 10 दिन निकालने में, तो यहां से पैसा निकलता 4 अप्रैल 2016 को। ईयर चेंज 31 मार्च 2016 को हिमांशु के कैश बुक में दिखाएगा बैंक बैलेंस 50,000, जबकि SBI के अकाउंट में धीरज का बैलेंस दिखाएगा 31 मार्च को पूरा 1,00,000, क्योंकि 50,000 तो निकला ही नहीं है। हाँ, या ना, देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू बुक्स। एक रीजन ये भी है। कौन सा रीजन है? चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक रीजन ये है, चेक इश्यूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने किसी को चेक दे दिया लेकिन सामने वाला बंदा है कि प्रेजेंट कर ही नहीं रहा, एक रीज़न ये। अच्छा सर, कोई दूसरा रीज़न भी है? जिस तरह हम किसी को चेक दे रहे हैं और वो दांत दिखाकर सो जा रहा है, हो सकता है कि मुझे भी किसी से चेक मिला हो। किसको? मिस्टर हिमांशु को। मिस्टर हिमांशु को चेक मिला, मिस्टर हिमांशु को चेक मिला मिस्टर अमरजीत से, नहीं हो सकता? 40,000 रुपये का। अब ये भी खुशी से फूले नहीं समाए और इन्होंने भी तकिए के नीचे चेक लग रखना शुरू कर दिया, ऐसा लगे जैसे बैंक में लगा दिया। सपने तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा। इसने तो दिखा दिया मेरे हाथ में पैसा आ गया। अरे कहाँ आया तुम्हारे हाथ में? तुमने तो कल कैशबुक में प्लस किया है। जैसे ही तुमको चेक मिला तुमने कैशबुक में प्लस कर दिया। वो तारीख थी 26 मार्च 2016 मान लेते हैं। कब? 26 मार्च 2016। लेकिन बेटा पैसा तो इधर तब आएगा जब आप मतलब हिमांशु अपने बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे, बैंक वाला अमरजीत के बैंक से पैसा निकाल करके क्लियर करवा कर लाएगा। इट विल टेक टाइम, और टाइम लेगा। मान लेते हैं पैसा आने में भाई साहब 6 अप्रैल 2016 हो गया, आया ना आपका बैलेंस तो 31 मार्च के अंत में 1,24,40,000 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1,40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st of March 2016। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द बैंक अकाउंट, ओनली इट शोज ₹1,00,000। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू अकाउंट्स ऑफ ₹40,000 एंड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइम। देयर एक रीजन ये भी, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक, सुनो इधर, बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। दोनों डिफरेंस समझ में आए? पहला था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दूसरा डिफरेंस है चेक इश्यूड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। दो डिफरेंस ये हो गए। तीसरा, बैंक ने जो बैंक चलता है वो, जो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, जब तुम लोग एंट्री करते हो बैंक में तो देखते हो हर आदमी अपनी जगह पर बैठा है, टाइल्स लगे हुए हैं, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं लोग, तनख्वाह ले रहे हैं। तो क्या वो तुम्हारे पैसे से जा रहा है? तुम पैसा दे रहे हो उन लोग को सैलरी? ये बैंक मैनेजर को सबको सैलरी तुम दे रहे हो? बोलो हाँ, वो तुम दे रहे हो, क्योंकि बैंक वाले अपनी जेब से पैसा नहीं देते, वो आपसे कमाते हैं और उसके बाद लोगों को पेमेंट करते हैं। तो बट ऑब्वियस है बैंक वाले आपको जो फैसिलिटी दे रहे हैं ये फ्री में नहीं दे रहे, दे चार्ज्ड अगेंस्ट दैट एंड दे चार्ज द बैंक चार्जेस। क्या चार्ज करते हैं? वो आपसे इंटरेस्ट मांगते हैं, वो आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करते हैं। सुनो, बैंक वाला कभी आपके पास आएगा नहीं, नॉक नॉक करके ये नहीं पूछेगा भाई साहब 200 रुपये निकाल लो, और आप तो कह चुके कि हाँ निकाल लो। अरे कैसे कह दोगे? 50 रुपये भी बोलेगा तो शायद आप निकालने ना दो। अच्छा अच्छा रुको, हम आएंगे हिसाब किताब देखेंगे, उसके बाद 50 रुपये निकालना, कुछ नहीं होता। वो आपका अमाउंट अपने आप क्या कर लेता है? आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है बैंक चार्जेस के नाम से। किसके नाम से? बैंक चार्जेस के नाम से। उसने 200 रुपये निकाल लिए बैंक चार्जेस के नाम से, उसने 200 रुपये निकाल लिए, आपको पता भी नहीं चला। पता चला? 200 रुपये निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। पता कब चलेगा? ओ, साल बीत गया, मैं 8 अप्रैल 2016 को बैंक में घूमने निकला था कि चलो आज टहल आते घूमते बैंक में, देखें क्या हिसाब किताब है। तो पता चला ये क्या, बैंक ने तो 21 मार्च 2016 को ही मेरे खाते से पैसा निकाल लिया था 200 रुपये, और साल खत्म हो गया बीच में, पता भी ना चला। मेरे और बैंक में तो डिफरेंस आ गया। मैंने तो अपने यहाँ 200 दिखाया नहीं, लेकिन बैंक ने मेरे खाते में अब 99,800 दिखा रहे, जबकि मेरे यहाँ पूरा अभी भी 1,00,000 दिखा रहे 31 मार्च तक। 31 मार्च में यहाँ पर दिखा रहे 99,800, जबकि मेरे यहाँ दिखा रहा है कैशबुक में 1,00,000 रुपीज़, क्योंकि मैंने तो 200 रुपये बैंक चार्जेस के नाम से डिडक्ट किए ही नहीं, मुझे तो कोई सपना आया ही नहीं था। ये एक डिफरेंस है। तीसरा,
बैंक चार्जेस charged by bank not recorded in cash book. सर और भी कोई डिफरेंस है? हाँ बेटा ढंग से देखो, इधर देखो, बैंक ने जिस तरह बैंक चार्जेस को मेरे अकाउंट से निकाल लिया मुझे पता नहीं चला, उसी तरह बैंक ने मेरे खाते में 28 मार्च 2016 को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया 8,000 रुपये का, मुझे बताया भी नहीं। और बताने की जरूरत क्या है? वो तो मैं टहलते टहलते बैंक में 9 अप्रैल 2016 को पहुंचा। कब पहुंचा? और मैंने कहा ये क्या 8,000 रुपये ज़्यादा आ गया, क्यों आ गया? उसको ज़रा देखा तो पता चला इंटरेस्ट का अमाउंट, पता भी नहीं चला और इंटरेस्ट मेरे खाते में आ गया। लेकिन बेटा देखो 31 मार्च को बैंक में बता रहा है 1,08,000, जबकि मेरे पास बता रहा है 1,08,000 का डिफरेंस आया या नहीं आया? 31 मार्च को मेरे यहाँ बैलेंस बता रहा है 1,00,000, जबकि बैंक में बता रहा है 1,08,000, डिफरेंस आया या नहीं आया? अब जब हमारे पास पता चला 9 अप्रैल को, तब मैंने अपने यहाँ एंट्री की बैंक इंटरेस्ट के नाम से, लेकिन बेटा तब तक देर हो चुकी थी, दोनों अकाउंट्स में 31 मार्च को डिफरेंस आ गया। आया? पक्की बात है? एक और रीजन मिल गया, क्या है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ में आया? अच्छा, मुझे 31 तारीख को तनख्वाह मिलती है, मैं मतलब हिमांशु घर पे आता है, चेक को अपने बिस्तर के नीचे लगाता है, खूब अच्छे अच्छे सपने देखता है, खूब अच्छे अच्छे सपने देखता है कि अब मैं इस पैसे को ये खर्च करूंगा, इस पैसे को ये खर्च करूंगा। और अभी सपने देख रहा होता है कि सुबह सुबह कॉल बेल बजती है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट खड़ा है, और हर महीने की 1 तारीख को आकर इसको टच करता है, भैया 5,000 रुपये दे, तुम्हारा प्रीमियम है। सारे सपने टूट कर चकना चूर। एक दिन इसको गुस्सा लगा, इसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा इंश्योरेंस कंपनी के बंदे का, एजेंट का, और ले गया इसको बैंक अपने, और बैंक वाले को दिखाकर बोला देख ये मनहूस आदमी हर महीने 1 तारीख को मेरे यहाँ आ जाता है और हमको डिस्टर्ब कर देता है नींद में और मेरे सपने तोड़ देता है, आगे से ये मेरे पास ना आए, डायरेक्ट यहीं से पेमेंट लेकर चला जाए। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना। क्या देना? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना। रिटर्न में हम बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे को हर महीने इतना रुपया दे दिया जाए, और बैंक वाला अब आपसे पूछने नहीं आएगा, इंश्योरेंस एजेंट आपसे पूछने नहीं आएगा, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा। आप घर पे आराम से सपना देख रहे हो बेटा, देखते रहो, लेकिन वहाँ से पैसा कट रहा है। बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट लिया 29 मार्च को ही, कितना? इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपये। आपको पता भी नहीं चला, आप सपने देखते रह गए, और जब 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को पहुंचे बैंक में, तब पता चला ये क्या हुआ, मेरे खाते से पैसा कट गया इंश्योरेंस का, हाँ मैं तो भूल गया, लेकिन तब तक बेटा देर हो गई थी। 31 मार्च को आपके यहाँ बैलेंस बता रहा है 95,000 बैंक में, जबकि आपके हाथ में बता रहा है 1,00,000 रुपये, फिर डिफरेंस आ गया, 5,000 का सीधे सीधे लोचा आ गया। आया नहीं आया? ये भी एक डिफरेंस का रीज़न है। क्या है? अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस।
क्लियर है? अच्छा जी, एक मेरा हिमांशु का एक क्लाइंट है जिसने माल खरीदा था इससे, अब उसको इसको पैसा देना था, लेकिन वो बहुत लजाता है, शर्माता है, पैसा देने में बहुत शर्म आती है उसको। अभी कहता मेरा पैसा दो, तो वो कहता मुझे शर्म आती है। तो अब बता इसका क्या जवाब है? शर्म इसको आनी चाहिए, उसको आ रही है देने में। और बहुत सीधा आदमी, उसने क्या किया, इससे इसका अकाउंट नंबर मांगा, बैंक में गया और इसके अकाउंट में डायरेक्ट 29 तारीख को 50,000 रुपये जमा कर दिया, और इसको पता भी ना चला। ऐसा थोड़ी कि नींद से अचानक जाग जाएगा, ये क्या मेरे खाते में किसी ने छेड़खानी की है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 50,000 इसके अकाउंट में आ गया, इसको पता भी नहीं चला। ये जब टहलते टहलते पहुंचा 8 अप्रैल 2016 को, तब पता चला अरे ये क्या मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये मेरे क्लाइंट ने डाल दिए। बहुत शर्मीला था, उससे मेरे खाते में 50,000 डाल, लेकिन डिफरेंस आ गया डेट में। यहाँ पर 31 मार्च को बताएगा 1,50,000, जबकि यहाँ पर बताएगा केवल 1,50,000 का डिफरेंस आ गया। आया नहीं आया? ये कब आता है? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर इनटू द बैंक। हाँ या ना? सर इसके अलावा भी कोई डिफरेंस आता है? हुआ ये था कि जैसे ही हिमांशु को एक चेक मिला, उसने अपने यहाँ एंट्री कर दी 20,000 रुपये मिस्टर हितेश के नाम से, और बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने भी मिस्टर हितेश के नाम से इसको क्रेडिट दे दी। तुरंत बैंक ने ऐसा काम किया, उसके बाद बैंक को लगा कि चलो पैसा कलेक्ट कर लेते हैं हितेश से। हितेश के पास गया बैंक चेक लेकर, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी चेक डिसऑनर की, बैंक को या हमको? बैंक को। और जैसे ही बैंक को पता चला, तुरंत बैंक ने 29 मार्च 2016 को ही माइनस कर दिया। लेकिन भाई साहब को पता चलते चलते 2 अप्रैल 2016 बीत गई ये पता होने में कि चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो ये 2 अप्रैल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन 31 मार्च को, यहाँ तो बैलेंस बता रहा था 1,00,000, लेकिन 31 मार्च को यहाँ बैलेंस बता रहा है 1,20,000। आ गया ना डिफरेंस? चेक डिसऑनर्ड एंड नो एंट्री मेड इन कैश बुक। ये वो रीजन है छोटे मोटे जो हर क्वेश्चन में लगभग आपको मिलेंगे। इसके अलावा एरर से रिलेटेड आपको ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, पासबुक में गलती हो गई, पासबुक में गलती हो गई, कैश बुक में गलती हो गई, देखा जाएगा। समझ में आई बात? हमको अब इन्हीं चीज़ों को रिकंसाइल करना है अंडर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कैसे? आप बैलेंस लेकर चल सकते हैं एज पर कैश बुक, और आप पहुंचेंगे इन रीजंस का एडजस्टमेंट करके बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो ना, प्लस माइनस जो करना हो। या तो आप लेकर चलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक और पहुंचेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज द वे। अगर पासबुक का बैलेंस लेकर पहुंचेंगे तो कैश बुक पर पहुंचेंगे, और कैश बुक का बैलेंस लेकर पहुंचेंगे तो पासबुक। ये बताएगा कि कैश बुक का ये बैलेंस है, पासबुक का ये बैलेंस है, और बीच में ये रीजन है, इन्हीं के कारण ये डिफरेंस आया है। क्लियर है? दिस इज नोन एज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर क्या कोई फिक्स फॉर्मेट है? ना, कहीं कोई फिक्स फॉर्म एंड फॉर्मेट नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट, नाउ इट इज अप टू यू टू प्रेजेंट योर स्टेटमेंट एज पर योर ओन विल। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल मींस सीएमए इंटर। क्वेश्चन
रजिस्ट्रेशन नंबर द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जे वाई डेटेड 31st December 2013 showed a balance with his bank of ₹924. एक जे वाई करके बंदा है और उसका बैलेंस ₹924 दिखा रहा है. कौन सा बैलेंस? बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक? जब भी ये मैटर एक बार और पढ़ लेते ताकि मैटर पूरी तरह क्लियर हो जाए. द बैंक स्टेटमेंट शो द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जे वाई. एसएससी कौन है या बंदा कौन है बिजनेस में और ये बनाना है अपना क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इसका मतलब सर जी हमें पहुंचना कहां पे है? बैलेंस एज पर. अब आप लोगों को मैं कुछ बता दूं, आप लोगों ने BRS पहले भी पढ़ रखा होगा. अगर पढ़ रखा है तो तरीके आप लोगों ने एक से यूज किए होंगे. इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, ये पासबुक और ये कैश बुक और ये पासबुक. यह होगा आया प्लस माइनस इसी में करके देखा होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसे ही सिखाया गया होगा नहीं पक्का नहीं. लेकिन हम लोग इस पंडित को एक बार भी यूज नहीं करेंगे. वो इसलिए क्योंकि हमें हमारा आंसर तो तुरंत मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा हमें हमारा आंसर हमारे यहाँ मिल जाएगा. सर जैसे मैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ, फर्स्ट डिस्क्रिपेंसी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट दैट द बैलेंस विल बी एडेड इन द बैलेंस एज पर पासबुक और इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक. During December, the bank had paid. ध्यान से सुनना. During December, bank had paid. Bank कौन? पासबुक ने पे किया कितना? ₹200. यहाँ से ₹200 माइनस हो चुका है. बैंक ने पेमेंट कर दिया है. For a yearly contribution of Mr. White made to a local charity as per the standing instructions. हमने बैंक को बोल रखा है कि हर महीने ₹200 मेरे खाते से निकाल करके चैरिटी वालों को दे देना और बैंक ने जो निकाल करके दे दिए. दिस अमाउंट हैड अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट. अरे नहीं, भी फोटो के तो हमें मालूम है बैंक वाले ने पेमेंट किया है तो उसी अकाउंट में दिख रहा होगा, बट नॉट इन द कैश बुक. इसका मतलब यहाँ जो बैलेंस है उसमें वो ₹200 कटा हुआ पढ़ने से पता चले. बात बताओ ₹10 से ₹20 तक पहुँचने के लिए, अच्छा ₹12 से ₹20 तक पहुंचने के लिए जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? कम से ज्यादा तक पहुंचने के लिए प्लस करके पहुंचेंगे ना. तो कम से ज्यादा तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे ना. समझ में आया? नीचे वाला इंडिकेटर नहीं है, प्लस कर दो. क्या प्लस करोगे? अमाउंट पेड बाय बैंक अंडर इंस्ट्रक्शंस not recorded in cash. कितने रुपए? अरे सर जी हम लोगों ने तो कर लिया, हमको तो अलग से कोई चार्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं. दूसरा सेकंड पॉइंट, द बैंक हैड क्रेडिटेड हिज अकाउंट विद ₹28. बैंक मेरा कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, मेरा बैंक का क्रेडिट फेवरेबल होता है. और बैंक ने क्रेडिट कर दिया यानी मेरे अकाउंट में जमा कर दिए कितने रुपए? ₹28 इंटरेस्ट के नाम से. एंड हैड कलेक्टेड ऑन हिज बिहाफ ₹230 एज डिविडेंड. ओहो, बैंक ने मेरे नाम पे कलेक्ट कर लिए ₹230 डिविडेंड के नाम से. No corresponding entries there made in the cash book. इसकी कोई दोनों की एंट्री यहाँ पर बैंक ने प्लस कर दिया. इसका तो मैंने प्लस मेरे यहाँ अभी भी प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए प्लस करते हो या माइनस?
प्लस करके पहुंचोगे या माइनस, सोचना क्या है सर? 20 रुपए से 8 रुपए तक पहुंचना है तो माइनस करके ही पहुंचेंगे, बड़े हुए से घटे हुए तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस, हाँ है ना? तो प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए माइनस करना पड़ता है। ये समझ में आया मुझे? क्या कर रहे पहला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हाउ मच? माइनस कर दी, माइनस डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, कितना हो गया? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? थर्ड पॉइंट देखते हैं। एक चेक है 65 रुपए का जो मैंने 28 दिसंबर को जमा किया था बैंक में, बैंक में अभी तक आया नहीं पैसा, यानी मेरे पास ऐसे चेक आया होगा, मैंने अपने पास तो प्लस कर दिया होगा और उसको मैंने बैंक में दिया प्लस करने के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, इसका मतलब वहां माइनस लेना प्लस है, तो इसका मतलब वहां माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करते हो? पक्की बात है ना? चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, पक्की बात है सर? क्रेडिटेड वर्ड आपने लिखा मुझे समझ में नहीं आया। ये कैश बुक का प्लस माइनस, पासबुक का माइनस और तो बैंक में कभी प्लस नहीं होगा, तो क्रेडिट। अच्छा जी, एक चेक है 150 का डिपॉजिट हुआ है और क्लियर भी हो गया, वॉज नॉट रिकवर्ड इन द कैश बुक, ओहो गलती बैंक की नहीं गलती मेरी है, मुझे एक चेक मिला तो सबसे पहले मुझे अपने यहाँ क्या करना चाहिए था? प्लस करना चाहिए था। मैंने प्लस तो नहीं किया बल्कि बैंक ने प्लस कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। हमें पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने ओवरसाइट कर लिया था, देख नहीं पाया मैं, एंट्री करते समय भूल गया कि मुझे अपने यहाँ प्लस भी करना होता है। चेक आया, मैंने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया, अपने यहाँ एंट्री नहीं की, बैंक ने प्लस कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला कैश बुक में मैंने उसकी एंट्री नहीं की, हो गया ओवरसाइट के कारण, ओवर ध्यान ही नहीं पाया जिसके कारण कैश बुक में एंट्री नहीं पाई, बैंक में एंट्री हो गई, बैंक में प्लस हो गया, मेरे यहाँ प्लस नहीं हो पाया, मेरे यहाँ क्या है प्लस से माइनस पहुंचने की क्या करोगे? चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश, कहां पर एंटर नहीं हुआ? कितना रुपया? 150 माइनस तो दिक्कत है। चेक है ड्रॉ किया गया है एंड पोस्टेड टू पार्टीज बाय मिस्टर वाई ₹73,119.46। मैंने चेक इशू किया है, चेक ड्रॉ यानी चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब मैंने पार्टीज को चेक दिया, जैसे ही मैंने चेक दिया मैंने अपने कैश बुक से माइनस कर दिया, कितना कितना दिया है मैंने? तीन पार्टीज को दिया है 73, 119 and 46। लेकिन ये तीनों चेक 31 तारीख तक यहाँ नहीं आ गए, यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन 31 तारीख तक गए ही नहीं, घर पे नाम दिखा कर सो रहे, तो इन तीनों का चेक यहाँ लगा नहीं जिसके कारण अकाउंट माइनस नहीं हुआ बैंक से, वहाँ अभी भी प्लस है लेकिन मैंने तो अपने यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए चलो चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना कितना जैसे चीजों को ऐड करते हैं, टोटल 238 है शायद।
ठीक है ना, दिस इज राइट। मैं फिर से बता दूं एक बार, सुन लें, बैलेंस एज पर पासबुक था, हमें पहुंचना कहाँ था, बैलेंस एज पर कैशबुक। पहली एडजस्टमेंट दी थी कि बैंक ने मेरे बिहाफ पे 200 रुपए का चैरिटी को पेमेंट कर दिया और हमें पता भी ना चला क्योंकि मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तो जाहिर सी बात है बैंक ने पेमेंट कर दिया, सुन लो, तो बैंक ने मेरे यहाँ से माइनस कर दिया और मुझे पता भी ना चला, मुझे पता भी ना चला, मैंने अपने यहाँ माइनस नहीं किया, तो मेरे यहाँ बैलेंस प्लस है। तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, ये तो पक्की बात है, माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए प्लस करेंगे। 10 रुपये से 20 रुपये तक पहुँचना हो तो 10 रुपये जोड़ करके ही पहुँचेंगे, अगर ना समझ में आए तो नीचे वाला निशान। अच्छा, एक इंटरेस्ट था, बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मेरे अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने कोई जासूसी कुत्ता थोड़ी छोड़ रखा है कि बैंक में जाएगा सूंघ सूंघ कर बताएगा कितना पैसा मेरे खाते से निकला है, मेरे खाते में आया। 28 रुपये बैंक ने मेरे खाते में प्लस कर दिया, मुझे पता भी ना चला और मैंने अपने यहाँ प्लस नहीं किया, यानी कि मेरे यहाँ बैलेंस माइनस है। मेरे यहाँ का मतलब कैशबुक, बैंक के यहाँ मतलब पासबुक। तो बैंक के यहाँ तो प्लस हो चुका है लेकिन मेरे यहाँ यानी कैशबुक में प्लस नहीं हुआ। तो प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए मालूम है घटे हुए वैल्यू तक पहुँचना है तो माइनस करके ही पहुँचेंगे, पक्की बात है ना। अरे भाई 20 रुपये से 8 रुपये तक पहुँचना है तो माइनस करके ही तो पहुँचोगे। अच्छा, 230 रुपये था, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया डिविडेंड का, डायरेक्टली बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया तो मेरे खाते में बैंक ने प्लस कर दिया, जबकि मैंने अपने यहाँ प्लस नहीं किया, माइनस है। तो प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए, अच्छा, चेक डिपॉजिट मैंने किया बैंक में 65 रुपीज़ का, मैंने चेक डिपॉजिट किया यानी मेरे पास जैसे ही चेक आया होगा मैंने अपने यहाँ प्लस कर दिया होगा और मैंने बैंक में जमा किया, लेकिन 31 तारीख तक बैंक में प्लस नहीं हो पाया तो माइनस से प्लस तक पहुँचने के लिए। एक 150 का चेक था मेरे पास आया, मान लेते हैं मैंने प्लस किया, मैंने बैंक में भेजा, बैंक ने भी प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो उस समय आई जब बैंक ने प्लस कर दिया और मैंने ओवरसाइट की वजह से उसको प्लस नहीं किया, अपने यहाँ गलती से छूट गया मुझे अपने यहाँ प्लस करने से, और जब गलती से छूट गया का मतलब मैंने प्लस नहीं किया, मतलब माइनस हो गया, बैंक में प्लस हो गया, प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए। अच्छा, मेरा एक चेक था, तीन चेक थे, तीन लोगों को दिए थे, 119, 73 और 46 रुपये, यानी टोटल 238 रुपये के चेक मैंने इशू किए थे। जैसे ही मैं किसी को चेक देता हूँ मैं अपने यहाँ माइनस कर देता हूँ, अपने यहाँ माइनस कर देता हूँ किसी को मैं चेक दूंगा तो। बैंक वाले के पास अभी तक ये लोग पैसा चेक लेकर पहुँचे नहीं और वहाँ से अभी पैसा निकला नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर अभी भी प्लस है। तो प्लस से माइनस तक पहुँचने के लिए माइनस कर दे, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू बच्चों।